नमस्कार दोस्तों, बर्निंग टिप्स में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक कहानी है जिस कहानी को जानना ज़रूरी है। मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि दोस्त चलो तुम्हें मैं गोवा की यात्रा कराता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ, मैं भी चल दिया। मैंने गलती क्या कर दिया, आंखों पे पट्टी बांध लिया और उसके साथ गोवा का यात्रा के लिए निकल गया। वो मुझे पटना के गंगा के उस तरफ ले गया, वो जो जहाँ पे बालू बहुत सारा होता है वहाँ पे गया लेके, और मेरे आंखों से पट्टी खोला और बोला देखो गोवा आ गया। कुछ समय के लिए मुझे लगा सच में मैं गोवा आ गया, बट बाद में मुझे मालूम चला ये पटना का दूसरा वाला किनारा पे मुझे लाके छोड़ दिया गया। बिहार में एडमिशन लेने से पहले कुछ ऐसा ही स्थिति सबके साथ होता है। मेरी तरह आंखों पे पट्टी मत बांधना, कॉलेज जाने से पहले कुछ चीज़ों को दिमाग में डाल लो। पहली बात, कॉलेज रिव्यू। बहुत बच्चे कॉलेज रिव्यू के लिए पागल होते हैं। आई थिंक यूट्यूब पे ये पहला वीडियो होगा जो इतना गंदा रिव्यू दे रहा होगा कॉलेज का। कॉलेज रिव्यू में लोग कॉलेज का बिल्डिंग दिखाते हैं, कॉलेज का प्लेसमेंट दिखाते हैं, कॉलेज की बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, कॉलेज का फेस्ट दिखाते हैं, बट ये पहला वीडियो होगा जो बिना इन तमाम बातों का कॉलेज रिव्यू करने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, कॉलेज रिव्यू ट्रू करेंगे, फेक रिव्यू करने से दोस्त बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को देख के कोई बच्चे मुझे ऐसे गाली दे और बोले कि यार बर्निंग ड्रीम्स पे मैंने वीडियो देखा था और उन्होंने कहा था कि यार कॉलेज ऐसा है ऐसा है, बाद में आके कॉलेज देख रहा हूँ तो कुछ ही नहीं आता, वो कुछ नहीं है। चलो बच्चों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। कॉलेज, जब भी कॉलेज रिव्यू करने का सोच रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आता होगा कि उसका यूट्यूब पे कोई वीडियो ढूंढे, तो तुम वीडियो जाते हो ढूंढने के लिए। पहला चीज़, वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट देखते हो कि कैसा वेबसाइट है, वीडियो वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ बताई गई है, कितना प्लेसमेंट होता है, क्या है, ये सारा चीज़ वेबसाइट पे से तुम नोट डाउन करते हो। और तीसरा काम जो करते हो वो कॉलेज की बिल्डिंग देखते हो, ये बिल्डिंग अच्छी अच्छा है, बहुत बड़ा खूबसूरत बिल्डिंग है, तो ये पक्का बहुत खूबसूरत कॉलेज होगा। अगर इस तरीके से कॉलेज को जज कर रहे हो तो अपना दिमाग खोल लो, कॉलेज इस तरीके से जज नहीं किया जाता है। बिहार के कॉलेज को खास करके इस तरीके से जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो कॉलेज का बिल्डिंग सबसे बेहतर है वो कॉलेज सबसे ग्रेड बी कॉलेज में आते हैं, और जिस कॉलेज की बिल्डिंग बहुत ही बेकार होगी वो कॉलेज ग्रेड ए कॉलेज में आते हैं। बिहार के कॉलेज को देखने के लिए दो एंगल चाहिए, पहला ग्रेड ए का कॉलेज, दूसरा ग्रेड बी का कॉलेज। क्या है ग्रेड ए, क्या है ग्रेड बी, मैं बात करता हूँ। ग्रेड ए का कॉलेज वो है जिसमें टेक क्यूब डिपार्टमेंट है, जो जिसका एक पैरेंट कॉलेज है और जिसमें हॉस्टल की सुविधाएं ठीक ठाक अवेलेबल है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेड ए कॉलेज, और ये लगभग पुराने कॉलेज है। ग्रेड बी कॉलेज वो है जो नया नया बना है, उसमें ना तो हॉस्टल की सही तरीके से फैसिलिटी है, ना ही टेक क्यूब कोई डिपार्टमेंट है, ना ही प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, ना ही हॉस्टल की बहुत अच्छी से सुविधा है, इसको हमने ग्रेड बी कॉलेज में रखा। जिस बच्चों का रैंक अच्छा है वो तो गो विद ग्रेड वन ए कॉलेज, जिसका रैंक थोड़ा सा वीक है वो ग्रेड बी कॉलेज से में जाके एडमिशन लो। ओके, अब बात अगली बात करते हैं, अगला मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं। याद रखना, कॉलेज के सेमेस्टर की पढ़ाई से जिंदगी को सही रास्ते पे ले लेके आना, और चुनाव से पहले किए हुए वादों को देखते हुए चुनाव में वोटिंग करना, दोनों एक समान है। जिस तरीके से चुनाव के वादों को देखते हुए अगर तुम वोटिंग करोगे तो तुम्हें बाद में मालूम चलेगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, सेम उसी तरीके से जब तुम कॉलेज के सेमेस्टर की पढ़ाई को फोकस करके सेमेस्टर पास कर रहे हो, अच्छा मार्क्स ला रहे हो, तो तुम जब कॉलेज से पास आउट करोगे तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक डिग्री रहेगी जिस डिग्री पे काफ़ी खूबसूरत मार्क्स होंगे, और उस मार्क्स से तुम्हें सड़क पे कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। इट्स ट्रुथ, बिटर ट्रुथ, लिख लो। तो आप बोलोगे कि सर ये तो समस्या आपने बताया, ये तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। गाइस, कॉलेज जाने से पहले दिमाग में एक चीज डाल लेना, कॉलेज रिव्यू करते वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे जिस कॉलेज में टेक क्यूब डिपार्टमेंट हो, जिस कॉलेज में ग्रेड ए का वो कॉलेज हो, कॉलेज में हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध हो और पैरेंट कॉलेज उसका कोई हो। अब तुम बोलोगे कि सर ये पैरेंट कॉलेज क्या है, ये पैरेंट कॉलेज एक बहुत ही खूबसूरत थ्योरी है, इसको समझना। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए उसको एक पैरेंट कॉलेज दिया है। क्या होता है पैरेंट कॉलेज, अगर तुम्हारे बच्चे या किसी के भी बच्चे अच्छी जगह पे नहीं जा रहे हैं तो उसको देखने के लिए उसका एक पैरेंट होता है जो उसे देखता है। सेम इसी तरीके से कॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए उसको किसी अच्छे कॉलेज के अंदर में उसको रखा गया है। जैसे
भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है IIST सिप्पुर वेस्ट बंगाल का कॉलेज के अंडर में आते हैं, वो काफ़ी खूबसूरत कॉलेज है। इसी तरीके से गया किसी IIT के अंदर आता है, वो MIT किसी IIT के अंदर आता है, दरभंगा, बहुत सारे कॉलेज हैं जिसका पेरेंट कॉलेज होता है। अगर इस तरीके कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो तुम्हें फ़ायदा क्या होगा, इस बात को याद रखना। जो भी IIT में हो रहा होगा या जो भी NIT में हो रहा होगा, उस कॉलेज के पेरेंट कॉलेज में जो कुछ हो रहा होगा उसका इन्फॉर्मेशन तुम तक भी पहुंचेगा, और जब तुम तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा तो तुम उस इन्फॉर्मेशन से खुद को अपडेट कर पाओगे। ये चीज़ हुआ। आगे बात करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई से ना तो तुम्हारा गेट निकलेगा, ना ही ESC निकलेगा, ना ही तुम्हारा जॉब निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर में काफ़ी खूबसूरत मार्क्स आएंगे, कॉलेज में तुम्हारा रॉक ऑन होगा, क्योंकि कॉलेज में जब तुम्हारे मार्क्स आएंगे तो सारे स्टूडेंट तुम्हें देखेंगे और तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। बट 4 साल के बाद, 3 साल के बाद तुम्हें मालूम चलेगा कि वो मार्क्स लाना बेकार था। ओके, तो कॉलेज में जाना, तो इस बात को हमेशा खोल के दिमाग में रखना कि मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पीछे भागना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रही है, सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं कर रही, क्योंकि सेमेस्टर तुम्हें ना तो जॉब देगा ना ही तुम्हें प्लेसमेंट देगा। जॉब और प्लेसमेंट कुछ भी देगा, वो तुम्हें नॉलेज देगा, वो तुम्हें गेट, ESC, JEE, LDMRC, इन सब का जो प्रिपरेशन करोगे ये तुम्हें जॉब देगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, प्लेसमेंट। बच्चे प्लेसमेंट के लिए बहुत पागल हो रहे हैं, बहुत सारा मैसेज आता है, सर प्लेसमेंट के बारे में मुझे बताइए। दोस्त, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय AKU में जो प्लेसमेंट होती है, काफ़ी खूबसूरत प्लेसमेंट है। इतना खूबसूरत प्लेसमेंट है कि सत्यनारायण भगवान के कथा से जो निकलोगे तो तुम्हें जितना प्रसाद मिलेगा उतना प्रसाद के अमाउंट के बराबर तुम्हें पैकेज मिलेगी, अगर तुम कॉलेज के भरोसे रहते हो। मे भी प्रसाद मिले भी ना। दोस्तों, प्लेसमेंट कॉलेज के भरोसे अगर बिहार में रह जाओगे तो तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो 3 लाख से 5 लाख के बीच में तुम्हें प्लेसमेंट मिलेगी। बट वेट, प्लेसमेंट लेना है, खुद को कॉलेज में एंट्री करने से पहले इम्प्रूवमेंट शुरू कर दो। अपनी कम्युनिकेशन पे ताकत, अपनी कम्युनिकेशन पे स्ट्रांगनेस फोकस करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे, टेक्निकल स्किल पे फोकस करो, इंग्लिश को इम्प्रूव करो। अगर तुम IT सेक्टर में जाना चाहते हो तो कोडिंग को इम्प्रूव करो, इंग्लिश को तो ज़रूर इम्प्रूव करना, कोडिंग इंग्लिश को ज़रूर इम्प्रूव करना। उसके साथ साथ एप्टीट्यूड, रीजनिंग पे ध्यान देना, तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा बिना किसी कॉलेज की मदद के। कॉलेज की मदद से प्लेसमेंट होता है, लेकिन उसमें भी वही बच्चे आगे निकल पाते हैं जिस बच्चों का ये सब क्लियर रहता है। सो दोस्तों, अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन के लिए तो वेबसाइट को देख के कॉलेज रिव्यू मत करो, और जहां पे भी तुम्हें दिख रहा है कि ये मिलता है, ये मिलता है, जिम मिलता है, ये वो, ये सब चीजें फालतू की चीजें हैं, इन सबको देख के कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। दोस्तों, अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर कॉलेज का इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके अंदर का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो तुम कमेंट सेक्शन में आओगे, कमेंट करोगे कि सर मुझे इस कॉलेज का पर्टिकुलर रिव्यू दीजिए। मैंने तो अभी पूरे बिहार का रिव्यू दिया, बस उस पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू दूंगा। ये एक चीज़ हुआ। इसके अलावा मैं लास्ट बात कर रहा हूँ और इस वीडियो को एंड करूंगा, सेमेस्टर का तैयारी 10 दिनों में होती है, मीड सेम की तैयारी तो पक्का होती है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे होती है। गाइज, थैंक यू टू लिसनिंग मी, थैंक यू टू ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।